हेलो इंजीनियर त्रिशोक सैंती। तो आज आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया और यूजफुल गैजेट जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो ये जो गैजेट है ये आप देख सकते हैं, ये एक चश्मा है। चश्मा पे मैंने बहुत सारे सेंसर लगा दिया है। लगाने के बाद इसका आउटपुट जो है बहुत ही बढ़िया आउटपुट है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हम लोगों का बहुत ही काम का प्रोजेक्ट है। हम लोग पढ़ने में यूज कर सकते हैं या फिर ड्राइविंग करने में यूज कर सकते हैं या फिर और भी कुछ कामों में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो प्रोजेक्ट है ये किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, इसका काम क्या है, सब कुछ आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताएंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई चेएलसी पीसीबी। नया पीसीबी के लिए गड़बड़ फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर पीसीबी। अच्छे क्वालिटी पीसीबी का भरोसा जेएलसी पीसीबी। और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका पीसीबी। और जेएलसी पीसीबी से एसएमटी कंपोनेंट भी आसानी से आप बना सकते हैं। सिर्फ इस पर आप बोम फाइल अपलोड कीजिए, गड़बड़ फाइल अपलोड कीजिए और सीपीएल फाइल अपलोड करके आसानी से एसएमटी पीसीबी बना सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो अभी का जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हम लोगों को इसके बारे में पहले जानना होगा। तो ये एक्चुअली एक प्रॉक्सिमेटरी सेंसर है, ठीक है। तो इस पर देखिए एक आयर एलईडी लगा हुआ है और आयर सेंसर लगा हुआ है, मतलब ये एक सेंड करेगा और एक रिसीव करेगा। तो जब भी कुछ चीज़ पर ये सेंड जो लाइट करेगा वो किस चीज़ पर गिरेगा उसके बाद ये वही रिफ्लेक्ट होकर जो सेंस करेगा उसके माध्यम से ये काम होते हैं। आपको अभी दिखाते हैं। तो इसका पावर मैं दे रहा हूँ, तो देखिए इसमें लाइट ग्लो कर रहे हैं। तो इसके सामने अगर कुछ चीज़ लाएंगे व्हाइट कलर का अगर होगा तो सबसे अच्छा काम करेगा। देखिए ये लाइट बंद हो रहा है, तो इस तरह ये काम करते हैं। तो इसको हम लोग लगाएंगे, एक तरह चश्मा है जो आपको ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा और आप इसको बना भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए चश्मा के साइड पे एक होल है, तो होल के अंदर हम लोग इसको जस्ट फिट कर देना है। तो फिट करने के बाद इसके अंदर इसका सेंसर आ जाएगा, सेंस करने के लिए सेंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, इस चश्मा को जब भी हम लोग लगाएंगे अपनी आँखों पर, तो लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आँख जब भी बंद होगा तो ये सेंस करेगा, ठीक है। तो मतलब आउटपुट दे देगा। और जब भी आँखें खुले होगा तो हमारी जो आँखों का जो पुतलिया है उसके साइड में जो व्हाइट कलर है इसको ये रिफ्लेक्ट करके इसका आउटपुट बंद कर देगा। इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करेंगे, करने के बाद हम लोग इसके ज़रिए हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये करीबन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दिया है, माइक्रोकंट्रोलर लगाया है और आयर एलईडी और आयर सेंडर रिसीवर, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसको फिट कर दिया है। यहाँ पे आउटपुट पे एक वायर है जिसके मदद से अलग से अगर कोई चीज आपको ऑन ऑफ करना है तो इसके जरिए आप लोग कर सकते हैं, या फिर नहीं करना है तो इसको हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप पहनेंगे, पहनने के बाद ये काम करेगा। और इसका प्रोग्रामिंग बहुत ही ईजी है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं इसका प्रोग्रामिंग।
और ये जो चीज है इसको हम लोग अभी टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके आपको दिखाएंगे ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो अभी देखिए, मैंने इसको पहन लिया है, तो जब भी आंखें के पलके आप लोग झुकाएंगे तो देखिए ये साउंड नहीं करता है, क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम इस पे दे दिया है। अगर आप इसका टाइम और भी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा देर अगर आंखें पलके जो है वो अगर बुझ के रखेंगे तो ये साउंड करेगा। तो मैंने थोड़ा टाइम दे के इसको कर दिया है। तो अभी देखिए, मैं आंखें जब भी टोटली मतलब क्लोज कर दूंगा तो थोड़े टाइम के बाद ये साउंड करेगा। तो देखिए अभी साउंड कर रहा है, तो अभी खोलने के बाद ये बंद हो जाएगा। तो स्टार्टिंग बहुत ही देर से हुआ है, क्योंकि आंखें के पलके में हम लोग जो है वो इस तरह हम लोग ब्लिंकिंग करते हैं, करने के बाद ये साउंड नहीं करेगा। जब भी थोड़ा टाइम आप इस पे रखेंगे उसके बाद ये साउंड करेगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो देखिए अभी ये साउंड कर रहा है। तो इस तरह ये साउंड करके आपको जगा के रखेगा। जब भी आप कोई ड्राइविंग करेंगे या फिर आप किताब पढ़ेंगे तो इसको पहन के अगर पढ़ेंगे या ड्राइविंग करेंगे, तो अगर ड्राइव करते हैं तो अगर आपका नींद आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सिग्नल दे देगा और आप जग जाएंगे। इस तरह हम लोग ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और ये जो बाजर आप देख रहे हैं, यहाँ पे बाजर हमने फिट कर दिया है, तो बाजर को निकाल के आप अलग से इसका पावर एडजस्ट करके अलग से कोई भी चीज़ आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि मैंने हाई वोल्टेज आपको दिखाया था वीडियो के पहले, वो हाई वोल्टेज किस प्रकार से बनाया है अगर आपको देखना है तो ऊपर जो आइकॉन बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से ये हाई वोल्टेज हम लोग बना सकते हैं। और वही हाई वोल्टेज को हमने इसके साथ कनेक्शन कर दिया है जो कि रिले के माध्यम से हमने किया है। तो जब भी हम लोग आंखें के पलके झुकाएंगे तो ये हाई वोल्टेज जनरेट होगा। इस तरह हमने एक डेमो आपको दे दिया है, आप इसके जरिए कोई भी चीज़ आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से ये जो गैजेट हम लोग काम के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत सारे काम के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, बाय।